तो आज हम डीसी यूनिवर्स का सुपरमैन वर्सेस मार्वल यूनिवर्स का कैरेक्टर नल के बैटल के बेजन के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि ये दोनों ही काफी पावरफुल बीइंग हैं। तो अगर इन दोनों के बीच फाइट होता है तो यहाँ पर कौन विनर होने वाला है? तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना और ऑल पर सेट कर देना, ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए इन दोनों के ओरिजिन के बारे में बात करते हैं। तो अगर सुपरमैन के ओरिजिन की बात करें तो सुपरमैन का असल नाम होता है कालेल। इसका जन्म हुआ था क्रिप्टोन प्लैनेट पर, और जब प्लैनेट क्रिप्टोन डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन डिस्ट्रॉय होने से पहले सुपरमैन के पिता कालेल को स्पेसशिप में रख देते हैं और उस शिप को अर्थ पर उतार देते हैं, और फिर बाद में वो शिप भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और एक कैंट फैमिली को छोटा बच्चा मिलता है, और वो कालेल का नाम चेंज करके उसका नाम क्लार्क कैंट रख देते हैं। और बड़ा होने के बाद उसे पता चला कि वो क्रिप्टोन प्लैनेट का है, और जिस वजह से वो इतना पावरफुल है, और वो ये सोचा कि वो अपनी पावर्स का यूज ह्यूमंस को बचाने में करेगा। और फिर बाद में उसे एक सूट भी मिलता है जिसमें यस लिखा होता है, और एक सुपर ह्यूमन होने की वजह से लोग उसका नाम सुपरमैन रख देते हैं। सुपरमैन के पावर्स की बात करें तो इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर स्पीड, फ्लाई, हीलिंग एबिलिटी, हीट विजन और जैसे कई पावर्स और अबिलिटीज। तो बात करते हैं गॉड ऑफ डार्कनेस नल की। तो इसके पास सिम्बियोट आर्मर है जिससे उसकी ड्यूरेबिलिटी लेवल कई गुना हो जाती है, और उसके पास स्वॉर्ड है जिसे एक वेपन की तरह यूज करता है, और इसकी ये स्वॉर्ड काफी पावरफुल थी। और फिर भी बाद में एक डेथ सेलेस्टियल की कॉस्मिक पावर्स है स्वॉर्ड को और ज्यादा काफी पावरफुल बना दिया था। और इसकी जो बेसिक पावर्स है जैसे कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना, ड्यूरेबिलिटी जैसे कई पावर्स है, ये अपने सिम्बियोट आर्मी को बना सकता है और उसको कंट्रोल भी कर सकता है, और साथ ही उनको नष्ट भी कर सकता है, और ये अपने बॉडी को हील भी कर सकता है। इसके बॉडी के किसी कटे हुए पार्ट को ये फिर से रीजनरेट कर सकता है, लेकिन इसे ऐसा करने के लिए ज्यादा टाइम लग सकता है, और ये बिना खाए पिए ही रह सकता है। और नल कॉमिक में कई को डिफीट कर चुका है, और ये अपने स्तन के दम पर एक सेलेस्टियल को मार डाला था। नल थॉर वेद ओडिन फोर्स को भी हरा चुका है, और वैसे कई को डिफीट कर चुका है। वही नल के ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो इसने सिल्वर सल्फर के एनर्जी ब्लास्ट को सर्वाइव कर लिया था, और ये प्लैनेट के साइज के एनर्जी ब्लास्ट को भी सर्वाइव किया था। और नल के सिम्बियोटिक पावर्स की बात करें तो वो अपने साइडों से सिम्बियोट क्रिएट कर सकता है, और अपने आई माइंड के पावर से सिम्बियोट को कंट्रोल कर सकता है, और ये सिम्बियोट गार्ड भी है, और जिससे वो सिम्बियोट को मार भी सकता है। नल सिम्बियोट के आई माइंड को कंट्रोल करके वो सिम्बियोट की आंखों से देख सकता है। तो अगर बात करें इन दोनों विनर होने की, यहाँ पर नल ही विनर होने वाला है।